अपने आप को झारखंड विधानसभा के अपर सचिव का रुआब दिखा मोहल्ले के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कुंदन सिंह नाम व्यक्ति की, जो पुराने विधानसभा के रशियन हॉस्टल के पीछे वाले मोहल्ले में रहते हैं। वह और उनकी पत्नी अपने पड़ोसी को पिछले 10 साल से लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। जब भी मोहल्ले के लोगों के द्वारा समझाने या सुलह कराने की कोशिश की जाती है तो उसी व्यक्ति को फंसाने की धमकी देते हैं और अपने विधानसभा के पदाधिकारी होने का दबदबा बनाते हैं। सर, मामला तो बहुत गंभीर है, क्या बोले, बहुत परेशानी में है हम लोग अभी। 15 साल से ये आदमी कुंदन सिंह और श्वेता सिन्हा मिल करके हम लोग को बहुत परेशान करके रखी है। मेरे हस्बैंड HEC में हैं, उनको HEC में भी बहुत ज़्यादा ही लेटर लिख करके दे दिया है कि इनका क्वार्टर को लीज कैंसिल किया जाए, इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, इस तरह से। और ये इतना मेरे जात के ऊपर भी ये लोग उंगली उठाता है, रास्ता चलते भी हंस हंस करके चिढ़ाता है, करेक्टर पर जाता है, निष्ठा पे जाता है, हमारे मेरे हस्बैंड के ऊपर, बेटा के ऊपर बहुत गलत गलत आरोप लगा करके इस तरह से लेटर लिखा है, जिसका कि कहीं भी सुनवाई नहीं हो रहा है। उनका सुनवाई काफ़ी हो रहा है लेकिन हम लोग का सुनवाई कोई क्यों ऐसा सुनवाई नहीं हो पा रहा है। ये हमको नहीं पता कि ये लोग क्या करते क्या कुछ हैं, कौन है ये लोग, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। ये लोग विधानसभा के आदमी हैं, इसलिए वो उप सचिव अपने आप को बताते हैं। उप सचिव, हाँ, क्या नाम है इनका? कुंदन सिंह नाम है। और कुंदन सिंह उप सचिव विधानसभा में, इस वजह से आप लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा 15 साल से करीब हम लोग परेशान हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। थाना में भी सारा कंप्लेन दिया हुआ है लेकिन कोई एक्शन नहीं है, उल्टा हम ही लोग पर इस तरह का एक्शन लेता है, आरोप लगाता है। आपका नाम क्या हुआ पूरा? हम रेवती देवी हैं। आपके साथ ही तमाम चीज़ें घट रही हैं? हाँ, हम कहाँ रहते हैं आप? हम HEC क्वार्टर रसेन हॉस्टल में रहते हैं। क्वार्टर नंबर 598 टाइप सी, टाइप सी, 598 टाइप सी में रहते हैं। हाँ, और मेरे ऊपर भी ये रहते हैं, अभी 3-4 दिन पहले भी। आपके पड़ोसी हैं जी? हमारे ऊपर रहते हैं। दरवाजे पे कैमरा लगा दिया इस तरह से, मेरे गैरेज की ओर, मेरे दरवाजे की ओर कैमरा लगा दिया कि मेरे घर में कौन कौन आते हैं, कौन जाते हैं, कितने टाइम पे ये लोग ड्यूटी से आते हैं, कितने टाइम पे निकलते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ पे एकदम इस तरह से रिकॉर्डिंग करता है। और वो घर में खुद बैठ करके देखता है, और थाना में भी दिया है, HEC में दिया है, सारे जगह दे करके एकदम हम लोग का इज्जत पे तो इतना धजिया उड़ा करके रख दिया है, जबकि पूरा कॉलोनी जानता है कि हम लोग क्या हैं और क्या नहीं। डर से किसी भी गेस्ट को नहीं बुला पाते हैं, क्योंकि उसको भी देखता है और उस पर भी टारगेट बना लेता है कि ये लोग, मतलब इसके घर में ये लोग आते हैं और ऐसे रहते हैं, ऐसे करते हैं। अरे तो इस पे क्या तकलीफ होती है बताइए। प्रताड़ित हो रहे मुकेश कुमार परिवार के सदस्यों ने कई बार लोगों से अपनी समस्या बताई लेकिन कोई हल नहीं निकला। जब मामला बर्दाश्त से बाहर हो गई तब शुक्रवार देर रात जगन्नाथपुर थाना में एक सनहा दर्ज कराया गया। इस संबंध में मोहल्ले के लगभग 50 से अधिक लोगों ने थाना पहुंचकर मुकेश कुमार का पक्ष लिया। जब थाना प्रभारी द्वारा कुंदन सिंह को थाना बुलाया गया तो वह वहां भी अपने विधानसभा पदाधिकारी होने का रौब झाड़ते नजर आए। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी के सामने मोहल्ले वालों के साथ बदतमीजी से पेश आए, साथ ही सभी लोगों को धमकाते हुए थाना परिसर से बाहर निकल गए कि सबको देख लेंगे। वहीं मोहल्ले के लोगों ने भी बताया कि आए दिन कुंदन सिंह मुकेश कुमार के परिवार वालों के साथ अमर्यादित व्यवहार करते रहते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई उसके घर आते जाते हैं तो उस पर भी फब्तियां कसी जाती है। मोहल्ले वालों ने बताया कि अगर इस आपसी रंजिश को यहीं विराम नहीं लगाया गया तो कहीं यह रंजिश खूनी रंजिश में तब्दील ना हो जाए।